तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आगे मैं एक और नई वीडियो और आज हम खेलने वाले एक और न्यू गेम जिसका के नाम है रेड बॉल 4। अब यहाँ पे मेरी एज वगैरह पूछ रहा था तो मैंने 18 ईयर डाल दिया। मुझे नहीं पता गाइस कि यहाँ पे एज क्यों पूछ रहा था, शायद ये मेरी डिफिकल्टीज के लिए पूछ रहा था। ज़्यादा एज होगी तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है अपने को। तो ये दो बॉल्स हैं और एक यहाँ पे स्क्वायर बॉल है। तो गोल वाली बॉल पूछ रही है कि आप स्क्वायर कैसे बने, तो ये बता रही ये वाली डेंजर बॉल ने भाई इसको स्क्वायर बना दिया। इस डेंजर स्क्वायर ने भाई सब बॉलों को स्क्वायर बना रहा है सर्कल से। ये हर चीज को स्क्वायर बनाना चाहता है, यहाँ तक कि अपनी अर्थ को भी। सो गाइज हमें अर्थ को बचाना पड़ेगा अभी। और मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है भाई, ये गोल चीजों को यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है, बट क्यों बना रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है इस गोल चीजों से। तो यहाँ पे इस वाली लेवल को करते हैं कम्प्लीट और देखते हैं कि भाई इसको कम्प्लीट करेंगे पूरा और देखेंगे भाई वो कहाँ पे अपने को मिलता है और हम उसको कैसे फिनिश कर पाएंगे, उसको कैसे रोक पाएंगे यहाँ पे सब चीजों को स्क्वायर बनाने से। तो उसने यहाँ पे ये बॉक्स भी स्क्वायर ही बना रखा है। यहाँ पे गोल सिर्फ हम है, बाकी सब चीजें स्क्वायर ही है। एक बैकग्राउंड में सन भी दिख रहा है, वो भी भाई यहाँ पे गोल ही दिख रहा है अपने को। शायद ये गोल को स्क्वायर नहीं बना पाएगा, मतलब सन को स्क्वायर नहीं बना पाया होगा। और यार काफी गलत बात है ना, ये घूम रहा भाई, इसी को मुझे मारना है, इससे बदला लूंगा मैं। बट अभी मुझे कैसे मारना है इसको मुझे पता नहीं अभी। तो यहाँ से तो मैं लेवल को कम्प्लीट करने पर ध्यान देता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे कि हम इसको कैसे मार सकते हैं। और अगर पता होगा कि कैसे मार सकते हैं तो मैं इसको मारूंगा अभी। अब ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार, थोड़ा अपने को दिमाग से भी इसको कंप्लीट करना है। चलो आपको बताता हूँ, यहाँ से तो मुझे बच के निकलना। अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए इजी है। देखो ऐसे मैं इसको मार भी सकता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए मुझे ये स्टोन चाहिए होगा, और स्टोन ऐसे तो आगे की तरफ जाएगा नहीं। तो ठीक है, देख सकते हो अब आगे की तरफ नहीं जा रहा है। तो मुझे इसमें ना यहाँ पे फोर्स का मदद लेना पड़ेगा, मतलब इसको मुझे उस तरफ से जाकर धक्का देना पड़ेगा। तो मैं चढ़ जाता हूँ उस तरफ, भाई मैं उस तरफ ही नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पे जोर से आना पड़ेगा। देखो तब मैं इसको धक्का दूंगा इधर, और ये जो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर घाटी दिख रही है इसको ऊपर इसको मैं चढ़ा दूंगा। और अब ये जैसे ही नीचे आएगा ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रहेगा और मैं इस तरफ से इसको दे दूंगा धक्का, तो ये चले जाएगा उस तरफ। देखो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी और जो कि भाई 100% सक्सेसफुल रही है। तो ये लेवल भी अपनी कम्प्लीट हो जानी चाहिए भाई, कब होगी हो जा। ठीक है ये लेवल भी अपनी कम्प्लीट हो गई, अब बारी है लेवल 4 की। गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है मुझे इसके ऊपर चढ़ना है, जो कि मैं अभी नहीं चढ़ सकता हूँ, इसको इधर आने देते हैं। और अब मैं इसके ऊपर चढ़ पाऊंगा और सीधा यहाँ। देखो तो अभी मैं ये गेम को समझ चुका हूँ कैसे कैसे खेलना, बट यहाँ पे मुझे सावधान रहना है क्योंकि ये जगह भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजर लग रही है। शिट भाई मैं नीचे गिर गया, अभी मेरे पास सिर्फ 4 बारी बची है, 4 लाइफ्स हो रहे हैं। चलो यहाँ पे कूदते हैं, काफ़ी ज़्यादा आराम से खेलना पड़ेगा। मतलब मैं ना इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी समझ लेता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होकर कहीं पर भी चले जाता हूँ। उतना ज़्यादा भी ईजी नहीं है, थोड़ा मुझे दिमाग से ही खेलना पड़ेगा। बस धक्का देना है मुझे, इससे पीछे हटना है। अगर मैं इसके नीचे दब गया तो मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। ये स्क्वायर इसको तो पहले मार ही देता हूँ मैं। स्क्वायर चीज़ों को अब मुझे ख़त्म करना है, यहाँ पे गोल चीज़ों को छोड़ना है। वैसे मैं हर स्क्वायर चीज़ों को नहीं ख़त्म करने वाला हूँ अपनी, भाई किसी से भी दुश्मनी नहीं है, किसी भी मतलब शेप से दुश्मनी नहीं है, ना स्क्वायर ना सर्कल, सब बढ़िया होते हैं। बट भाई वो जो गोल चीज़ों को स्क्वायर बना रहा है ना अपने को, उसको ख़त्म करना है, जिसकी भाई इतनी ख़राब सी सोच है। शिट भाई मैं फिर नीचे गिर गया, इतनी ज़्यादा स्पीड में था, मुझे लगा था मैं ऊपर चले जाऊँगा, इस बार तो मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है हाँ, तो मुझे और आगे जाना है। यहाँ पे एक स्टोन और है गोल वाला, स्टोन को भी ये मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं बना पाया है। सन और ये स्टोन, ये दोनों चीज़ यहाँ पे अभी सर्कल में, बाकी सब चीज़ें तो स्क्वायर ही है। पानी में अच्छा मैं पानी में गिर के मर भी जाता हूँ, मुझे पता नहीं था गाइस क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे वाटर आया है। मतलब भाई अपन ऑक्सीजन नहीं ले पाते, मतलब इनके अंदर लाइफ है, सर्कल के अंदर भी लाइफ है और यहाँ पे भाई इस स्क्वायर के अंदर भी लाइफ है। ये सांस नहीं ले पाते, ये पूरे हमारे जैसे ही हैं। ठीक है मुझे यहाँ पे संभल के आगे जाना पड़ेगा, कि ये जो चीज़ चल रही, देखो मैकेनिज्म देखो इसका कितना बढ़िया है, कितने बढ़िया तरीके से आगे की तरफ चल रही है। बट इसके अंदर कोई मोटर वगैरह नहीं लगी है, तो आगे बढ़ कैसे पा रही है, हवा की मदद से, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बट ये बनाया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आप टायर देखा होगा आपने, गोल टायर नहीं है उसके, टायर भी इन्होंने ऐसे ही बना रखे हैं बिल्कुल। और भाई ये क्या चीज़ है, ये इसका मतलब अपग्रेड वर्जन लग रहा है मुझे। ये जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मेरी तरफ आने लगता है। देखो ये तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर चीज़ है, तो इससे मुझे बच के निकलना पड़ेगा आगे की तरफ अभी। और देखते हैं कि अपन इस वाले गेम को कैसे कंप्लीट करवाएं, कितनी लेवल तक मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे पास 2 लाइफ और बची है, मुझे काफ़ी ज़्यादा संभल के खेलना पड़ेगा। अगर मैंने जल्दीबाजी करी तो मेरी सारी लाइफ वेस्ट हो जाएगी और उसके बाद भाई ये गेम अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और वैसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आगे आने वाली है। तो फिर से मैं मारा गया यहाँ पर, मुझे ज़ोर से इसको धक्का देना है। ठीक है मुझे आगे लेके जाना है इसको, हाँ अभी ज़ोर से देते हैं और धक्का। ठीक है अब मुझे जाना है ऊपर की तरफ। ठीक है ऊपर की तरफ मुझे गाड़ी लग रही है, और इस गाड़ी के टायर गोल है, अच्छी बात है। चलो इस गाड़ी के ऊपर मैं बैठ जाता हूँ और सफारी करता हूँ भाई, यहाँ पे मज़े लेता हूँ। देखो ये सफ़र हो रहा है भाई अपना, कितनी स्पीड में चली है, ख़त्म वो तो ख़त्म हो जाएगा भाई। वो जो यहाँ पे गोल गोल घूम रहा था ना, ये देखो उस स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया ऐसे ठोक के। इतनी ज़्यादा स्पीड में थी ना ये कि भाई उसका बचना तो मतलब समझ लो नामुमकिन टाइप ही था। अब मुझे इसको फिर से पीछे लेके आना है, मुझे अभी समझ में आ चुका कि मुझे क्या करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्ट,
तो मुझे उसको धक्का देना है उस तरफ, और वहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे एक बॉक्स दिख रहा है जिसको कि मुझे इसके अंदर बैठाना है परफेक्ट तरीके से। ऐसे टाइम पे मुझे इसको धक्का देना है कि इसके अंदर ही आके बैठ जाए। तो ठीक है ठीक है, ऑल राइट गाइस, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया है अभी। तो सीधे ये वाली लेवल ही अपनी हो जाती है कम्प्लीट। थोड़ा भाई अच्छे से मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिनिश। तो अभी बारी है लेवल 7 की, और देखते हैं कि इसको अपन कैसे कम्प्लीट कर पाएंगे। इसमें अपने को क्या करना है, मुझे इसके ऊपर तो जाना है, मुझे समझ में आ रहा है। ये जो ऊपर की तरफ भाई ये लकड़ी का कुंदा है ना भाई, ये इधर उधर डोल रहा है। ठीक है ओके, मुझे अभी समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तो मैं ऐसे तो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, तो भाई ये मेरी एक मतलब एक हार्ट भी ख़त्म कर देता देखो टकराते ही। तो मुझे यहाँ पे खड़े होना है, जैसे ये आगे की तरफ का ऊपर की तरफ जाएगा ना वैसे ही मुझे जाना है यहाँ से इस टाइप से कुछ। देखो मैं पहुँच गया यहाँ पे। तो मुझे धीरे धीरे ये गेम समझ में आने लगा है, और भाई इसमें अपने दिमाग का भी खेल, अपने को दिमाग से भी काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के खेलना पड़ता है। और ठीक है, मैंने एक को और मार दिया यहाँ पे स्क्वायर को, जो कि भाई हर चीज़ों को स्क्वायर बना रहा है। इसको मुझे आगे की तरफ धक्का देना है। अभी तो भाई ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और उसके बाद भाई इसको कम्प्लीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो अपनी लाइफ भी अभी एक ही बची है। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे शिट यार मैं फिर नीचे गिर गया, फिर तो मुझे ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मुझे आगे की तरफ जाना है। भाई मैं यहाँ पर कितनी देर तक बैलेंस बना पाऊँगा? तो चलो यहाँ पे मेरा यहाँ पे गेम सेव हो जाएगा इस वाले फ्लैग के पास से। अगर अब मैं आउट होता हूँ तो मेरा यहीं से गेम स्टार्ट होगा, बट मैं अब आउट हुआ तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मेरी लाइफ बची है। एक और स्क्वायर को मैंने मार दिया है, चलते सीधा आगे की तरफ। ये लेवल भी अपनी हो गई है कम्प्लीट। बाकी लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आ रही है, बट देखते हैं कि हार्ड कब आएगी। वैसे आगे चल के हार्ड ही आने वाली है। चलो यहाँ पर मैंने इसको नीचे गिरा, ये देखो मेरी तरफ जैसे ही देखता ना इतनी ज़्यादा स्पीड में आता, बोलता अब तो इसको स्क्वायर बना के ही रहूँगा। बट हम हर बार उससे बच जाते हैं, वो अपने को नहीं स्क्वायर बना पाता है, मतलब मार नहीं पाता। स्क्वायर क्या बनाएगा, वो अपने को मार ही डालेगा। और ठीक है, यहाँ पे एक और प्लेग है, और इस हैमर से मैं इस बार इसका काम तमाम करूँगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, मेरी हेल्प करने के लिए हैमर भी दे दिया है। वैसे इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, बट फिर भी भाई हैमर दे दिया और ख़त्म। गिर जा, वो मर गया भाई, मर गया। अरे पुट्टे से बोलता है ऐसा, कोई बम पटाखा फूटा उस टाइप से, वो भाई ब्लास्ट हुआ, नीचे गिरा नहीं, वो ब्लास्ट टाइप का कुछ हुआ है। अब आगे की तरफ अपने को जाना। यहाँ पे फिर से वही वाली गाड़ी है जिसके अपन ने एक बार भाई राइड कर चुके हैं हम इस वाली गाड़ी की। इस बार भी मुझे यही करना है, इसके ऊपर बॉक्स डालना है। इस बार राइड नहीं करना है मुझे, शायद इस बॉक्स को मुझे उस तरफ लेके जाना है। देखते क्या करना है, एक एक बार ट्राई कर लेते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, और अगर कर लेंगे कम्प्लीट तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई इसमें माइंड का मेन खेल है, इसमें मेन अपने को अपने दिमाग से करना है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने बॉक्स रखा। मैं आगे की तरफ जाने, नहीं भाई मैं आगे की तरफ नहीं जा सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अगर आगे की तरफ कूदूंगा, बट मैं नहीं जा सकता हूँ, कुछ तो ही नहीं ना आगे। यहाँ पे एक पंखा दिख रहा है, तो मैं बॉक्स को इधर लेके आ चुका हूँ, और मुझे इस पंखे के ऊपर जाना है। हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता हूँ, इसकी मदद से मैं जा पाऊँगा। तो मैंने एक स्टार तो ले लिया अभी, और इस बारी में ना इसको कम्प्लीट कर लेने वाला हूँ। देखो चढ़ता हूँ ऊपर जल्दी से, ऑल राइट, और ये फिनिश। तो ये लेवल भी अपनी हो जाती है कम्प्लीट। अभी बारी है लेवल 9 की। यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे वो करने में, मतलब थोड़ा सा हार्ड था, इजी बार बार आ रहा था ना, तो मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा हार्ड आ गया। तो ठीक है, मुझे बॉक्स को लेके जाना है आगे। ओके ओके ओके, अच्छा हुआ हम पहले बॉक्स को आगे नहीं लेके आया, वरना बॉक्स गिर जाता सीधे उस वाले गड्ढे के अंदर। अब ये क्या सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑल राइट गाइस, तो ये क्या सिस्टम है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बताओ, ये इससे होगा क्या? वैसे मुझे जंप तो काफ़ी ज़्यादा ऊँची मारनी है, शायद मैं यहीं से जंप मारूंगा क्या डायरेक्ट? भाई उसका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, आपको अगर आया तो आप कमेंट नीचे बता सकते हो। और यहाँ पे भाई ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बॉक्स पानी के ऊपर है। मुझे पता है जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा ये नीचे तैरने लगेंगे, या फिर एकदम से नीचे डूब जाएंगे, देखते हैं। ओ हाँ गाइस, इनका बैलेंस सीट, यार हम आउट हो गए। तो ठीक है, इसमें हमने लेवल 8 तक कंप्लीट कर लिया, लेवल 9 को हमको कंप्लीट करना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारी यहाँ पे पूरी लाइफ वेस्ट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। और आपको बताना कि आपको ये रेड बॉल 4 गेम कैसा लगा, और अगर वीडियो में मज़ा वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ फिर किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।